वी नीड टू रूम्स, दो रूम चाहिए। आई एम सॉरी मैम, टू रूम्स नहीं है, अभी सिर्फ हमारे पास एक रूम है। क्या हो रहा है? मिस्टर जी, वो बाबूजी का दिल्ली से यहाँ आता है, उनका कार का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हमारे बाबूजी वो अंदर है, वो हम जाए मिलने उनसे, वो ठीक है ना? वो कुछ आप उनसे नहीं मिल सकती, वो आईसीयू में है। विकराल जी को अंदरूनी चोट की वजह से उन्हें लकवा मार गया, और दोबारा कल का अपॉइंटमेंट है, तब तक क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? वो गाना नहीं सुना आपने? घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और का। हाँ मैडम जी, मतलब? अरे मैडम जी, कैसे समझाएं आपको, हमारी जो दो बहन है ना, अब हमको लंबा चौड़ा लिस्ट दी है आई शॉपिंग करने का, इधर पर जाएंगे खरीदते खरीदते पूरा बम्बई घूम लेंगे, है कि नहीं? प्रहाग जी, इस क्षेत्र पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि विकराल जी की पकड़ इस क्षेत्र में ज्यादा नहीं है, और अगर चुनाव जीतना है तो लोगों के बीच जाना पड़ेगा। अगर हमने एक ही क्षेत्र में सारा ध्यान लगा दिया ना, तो बाकी के तीन क्षेत्र हमारे हाथों से निकल जाएंगे। प्रहाग बाबू, इन पेपर्स पर सिग्नेचर चाहिए थे विकराल जी के, पर इससे पहले किसी अच्छे वकील से इन्हें पढ़वा लेना चाहिए। देख लीजिए आप। काम हो जाएगा। अच्छा प्रयाग जी, वैसे लकवे का कोई इलाज तो है नहीं, लेकिन भगवान करे कि ये जल्दी ठीक हो जाए और लोगों की दुआएं इनको लगे। ठीक, हम आपको छोड़ देते हैं, आइए। तिवारी जी, जी इससे कुछ होने वाला नहीं। हाँ। ये पार्टी का भी बंटाधार करेगा और हमारा भी। इससे पहले कि हमारा बंटाधार हो जाए, सीताराम वाली पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। इलेक्शन का टाइम है और पैसे कमाने का मौका भी यही है। अरे मूरखचंद, अगर तुम किसी और पार्टी में गए तो क्या होगा, कार्यकर्ता के कार्यकर्ता रहोगे। अगर इसी पार्टी में रुकते हो तो मौके का फायदा उठाओ। मौके का फायदा, पर कैसे? ये तो अब कुछ काम का रहा नहीं, इसे लकवा मार चुका है, उसे तो दुनिया से मुक्ति दिला के हम करेंगे पार्टी पे कब्जा, समझेगा? तिवारी जी। मैडम जी, ये सुनिए ना, आपके हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं, अब ठीक है। डॉक्टर ने कहा है थोड़ा ख्याल रखने के लिए संभाल के आए। दर्द नहीं हो रहा है। आइए रोड क्रॉस करते हैं। बैजू, बैजू, अरे मैडम जी, आई आई आई, चलिए। हम एक इंजेक्शन लेने बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे है नहीं।
इंजेक्शन मैं ले आता हूँ, तुम रुको। नहीं नहीं, आप रहिए, आप ध्यान दीजिए, हम आते हैं। हाँ ठीक है, तुम हो। मिस्टर जी, अम्मा जी का तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। आप एक काम करिए, आप उनको ना घर छोड़ दीजिए। अम्मा जी आप जाइए, आप घर जाइए। नहीं बेटी, अब हम तुम्हें ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते। अगर आप ठीक नहीं रहेंगे तो फिर हम सबका ध्यान कौन रखेगा। आप जाइए, थोड़ी देर का बात है, फिर हम वापस आ जाएंगे और हम ठीक है, हम बाबूजी का ध्यान रखेंगे। मिस्टर जी आप जाइए ना, छुड़ाइए। वो तो ठीक है, लेकिन रागिनी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मिस्टर जी थोड़ी देर का बात है, फिर आप वापस आ जाएंगे। नहीं तब ठीक है, आप जाइए, छोड़ दीजिए। ठीक अम्मा जी, आप आइए, मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। चलिए संभल कर। हमारी बिटिया हमारे लिए लक्ष्मी है, तो अभी माई का मूर्ति वहां जाना ना चाहिए। आप परेशान मत होइए बेटा जी, बाबूजी सब ठीक कर देंगे। बाबूजी आपने ना अपनी बेटा जी को बहुत लाड से रखा है, बहुत लाड से, हमेशा हमेशा ना ढाल बन के संभाला है हमें आपने। और आज आपके बेटा जी की बारी है, अब देखिए आपके बेटा जी ने आपको कैसे संभाल दिया, आप देखिए। हमें मालूम है आपको आपके बेटा जी की आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं पसंद। देखिए कैसे 2 मिनट में आते अपना मुंह पोंछ के, हम नहीं रोएंगे। और स्ट्रॉन्ग इस शहर का आदमी एकदम बैल होता है कि नहीं है? इतना बड़ा हो गया है, बलून के साथ खेल रहा है। जी नहीं, खुश रहने की कोई उम्र नहीं होती है। हमें तो बलून, पतंगे, तितलियाँ सब बहुत पसंद है। जानते हो क्या, जब हम बलून को हवा में छोड़ते हैं ना, तो हमें लगता है हमने अपनी सारी परेशानियाँ, सारी मुश्किलें हवा में छोड़ दी और हम हल्का महसूस करते हैं। ऐसा देखिए, आपके लिए हम बलून लेके आए। आए जो बलून है ना, तो हवा में छोड़ के ना, और हम भी अपना सारा परेशानी से दिमाग से हल्का हो जाएंगे। तुम हमेशा से लाइट मूड में रहते हो। तो क्या करे, दिमाग में कोई भारी चीज आता ही नहीं है तो हमेशा लाइट मूड में ही रहते हैं। चुप रहने का भी एक अच्छा बात है ना, ये क्या हम बोलना चाहते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, सामने वाले को पता नहीं होता है। कहीं पता लग जाए कि हम क्या सोच रहे हैं, आपको उस बात का बुरा लग गया तो थोड़ा बच के रहते हैं कि नहीं? तुम कितना बोलते हो। हमको भी ऐसा लगता है कि कभी कभी हम ज्यादा बोल जाते हैं। नहीं ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ज्यादा। मोबाइल बिल कितना आता है तुम्हारा? बहुत बोल दिया आप, चलिए। ये अचानक से दिन में इतना सन्नाटा कायम हो गया अस्पताल में। रास्ता साफ है, आज फ्लोर पे पूरा सन्नाटा है। आज उस चोट खाए शेर को खत्म कर देना है। तू भी जल्दी से आ जा, आज हमें चुकना नहीं है। ठीक है बाबूजी। ये बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड भी नहीं दिख रहे। बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड,
भगवान, बाबूजी। बाबूजी को मैं यहां से हटाना होगा, तो ना हमारी बंदूक हमारे साथ, ना कुछ जुगाड़ हम करे तो करेगा। सोच आगे नहीं, कुछ सोच, कुछ सोच, कुछ सोच, कुछ। बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके बेटा जी आपके साथ है, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। तो है जो उसकी मदद कर रहा है, हॉस्ट के नहीं जा पाएगा वो, उसे लकवा मारा है ना, हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकता, चलो ढूंढते उसे, चलो। मैडम जी आपको खांसी हो रहा है, आपको पानी लेकर आते हैं भैया, ये एक मिनट के, अभी हम गए फिर से पानी लेकर आए। मैडम जी, मैडम जी, बैजू, मैडम जी, मैडम जी हम घबरा गए थे, आप बिल्कुल एकदम दिख नहीं रही थी। सारी हाँ, अब सारी, अब गलती हो गई, आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे हम फिर से, अब बड़ा वाला सॉरी। अब चलिए जी, चलिए। हम्म
चलो ले लो मुंबई का हापुस आम, ले लो मुंबई का हापुस ले लो। अरे हमने मुंबई के हापुस आम के बारे में बहुत सुना है, आप हमें 1 किलो दे दीजिए, हम भी देखें कि इन हापुस आम के बारे में क्या खास बात है। ये 280 रुपया किलो है मैडम, ये मुंबई का हापुस है मैडम, इसके टक्कर में कोनो आम नहीं है। दे दीजिए। अच्छा दे दीजिए, पैक कर दीजिए। 250 रुपए बॉक्स। अरे जब 500 रुपए लीजिए, रख लीजिए। और एक पेटी दे दे। नहीं 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 चाहिए हमको, बस एक ही पेटी चाहिए। 500 रुपए आप रख लीजिए। चलिए चलो। तो टैक्सी लेकर होटल तक चले। अब पैसे तो नहीं है, पैसे तो हम सारा फल वालों को दे दिए। क्या पैसे नहीं है? तो ठीक है चलो पैदल 20 किलोमीटर दूर तक। होटल 20 किलोमीटर दूर तो होगा ही। गलती कर दी क्या है? एक काम करते हैं, फल वाले से जाके थोड़ा उधार ले लेते हैं। तुम चुपचाप चलो। नहीं नहीं मैडम जी, पैसे नहीं है उतना कौन चल के जाएगा। तुम इतने एक्सट्रीम क्यों हो? कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं ढूंढते? या तो 100 रुपए के लिए लड़ोगे या सीधा 500 रुपए दे दोगे। अब चलो चुपचाप से। जी ठीक से। अरे भाई रात से मुंह दिखाई बंद कर, अब जल्दी कर, चल जल्दी। अरे चल यार, तिवारी जी को पता चला ना कि एक लकवा मारे आदमी को खत्म नहीं कर पाए तो कल हमारी लाश यहां होगी। चल से 1 रुपए की कमाई नहीं हुई रे, खाली हाथ घूम रहे लिए मैं। बहुत दुआ लगेगी ये किन्नर की, जिंदगी सवर जाएगी तेरी बेटा। देखिए कोई बात नहीं, जो पैसे हमारे पास हैं वो तो टैक्सी के लिए लग जाएंगे। आप चाहे तो ये आम ले सकते हैं। चल दे दे। अरे हम तो टपटने वाले थे इनको, आपको डर नहीं लगता इन लोगों से? डर? किस बात का डर? इंसानों से क्या डरना, सिवाय उसके जो भरोसा जीतने के बाद छुरा घोपते। हम फिर से आपका भरोसा जीतेंगे मैडम जी, आप फिर कभी ना टूटने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए। पला टल जाए तो फिर हम सबको देख लेंगे।
तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें, क्या करें हम? बस बहुत हुआ, भागम भागी छिपम छिपैया। विक्रांत सिंह अब तेरा खेल खत्म, फिनिश, गेम ओवर। मार दो, चलाओ गोली चलाओ, लेकिन याद रखना कोई भी हमारे बाबूजी का बाल भी बांका नहीं कर सकता, समझे? चलाओ आप गोली चलाओ, चलाओ। चलाओ गोली।